हाँ तो पलक, अपने बारे में बताओ, कहाँ से हो आप? मैं पलक हूँ, मुंबई से। मेरा 8 साल का बेटा है, मैं खुद 34 ईयर्स की हूँ। मैंने डीके गाइडेंस से 8 महीने में 24 KG लूज किया है। और डीके डाइटिंग डाइट चार्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं, बट मैं थोड़ी बहुत गड़बड़ कर जाती थी उसमें। बट उनकी एक्सरसाइज इतनी इफेक्टिव है कि स्टिल मैंने 3 KG पर मंथ लूज करी है। अच्छा, तो आपको ऐसे नहीं लगता कि थोड़ा स्लो गया? जी आपको ऐसे नहीं लगता कि थोड़ा स्लो गया? हम ये और हाँ नहीं, मैं ज़्यादा मानती हूँ स्लो हुआ, पर उसमें आपका कहीं भी कमी नहीं है। जो फॉल्ट है वो मेरे में है कि मैंने डाइटिंग नहीं करी बिल्कुल भी। चीट डेज और चीट मील्स होती हैं लोगों की, मैंने चीट डेज निकाल दिए। तो उस वजह से अगर मैं वो प्रॉपर भी करूँ तो मेरा 1 महीने में 5 KG इजीली जाता था। मैं मानती हूँ 4-5 KG जाता था। स्टार्टिंग में जल्दी जाता है, अभी जैसे थोड़ा स्लो हो जाता है, जैसे बॉडी थोड़ी टोन अप होती है। बट ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो कुछ तो हो ही रहा है, आगे ही बढ़ रहे हैं, पीछे तो नहीं जा रहे हैं। तो 24 KG रिड्यूस होने पे खुद को कैसा लग रहा है? क्या मतलब, आप कैसा खुद को क्या फील हो रहा है? घर वाले भी देखते एकदम हैं? लाइट रहती है, एनर्जेटिक रहती है बॉडी। मैं वॉक भी कर लेती हूँ कितना कितना भी, कहीं भी, तो कुछ ऐसा थकावट सी फील नहीं होती है। मेरे हिप एरिया से अराउंड 6-7 इंचेस कम हो गए हैं। मतलब मैं 56 इंच पे स्टार्ट हुई थी, नाउ आई एम एट 47-48 के बीच में। तो अपर तो बॉडी मेरी वैसे ही कम थी, स्टिल मैंने वहाँ से भी मतलब 4 इंचेस अराउंड कम किया है। मेरा अच्छा, लोअर ही ज़्यादा था तो वहीं से ज़्यादा गया। तो अब जैसे मतलब कि बहुत सारे लोग है ना, वेट लॉस करने के बाद में सोचते हैं कि बस चलो अब हो गया हमारा, अब छोड़ते हैं क्लास को, अब वेट गेन करके वापस आते हैं, ऐसा कोई मूड है क्या अभी मूड मैं में? अभी तक तो नहीं है ऐसा मूड, मतलब अभी तो कम से कम भी 90 के अंदर आना है, मिनिमम भी 85 तक तो जाना ही है। उसके बाद भी छोड़ने का मूड तो अभी तो नहीं सोचा है। अभी तो काफी दिन महीनों तक तो नहीं है प्लान इसके आगे देखे। वैसे छोड़ूंगी तो वापस मुझे पता है कि वो गड़बड़ हो ही जानी है, इसलिए छोड़ूंगी तो नहीं। मेंटली कितना फिट फील करती हो खुद को 24 KG रिड्यूस करने के बाद में? मेंटली अच्छा ही लगता है, खुद को मिरर में देखने में अच्छा लगता है। तो एक मोटिवेशन खुद को ही मिलता है कि हाँ कुछ तो अच्छा ही हुआ है बॉडी के साथ। मेरे सारे जीन्स ऐसे लूज हो गए हैं कि बेल्ट में होल्स कम पड़ गए हैं, अब बेल्ट में एक्स्ट्रा होल कराने पड़ेंगे। बेल्ट पहनने के बाद भी मुझे थोड़ी थोड़ी देर में उनको ऊपर ही खींचना रहता है। अच्छा, एक और सवाल कि बहुत सारे लोग ना ऑनलाइन को लेके बहुत ही नेगेटिव होते हैं, वो कहते हैं ऑनलाइन में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, जबकि देखो तुम मुंबई में, मैं जयपुर से, तो हमारा तो इतना डिस्टेंस था कि ऑफलाइन तो लेना ही बहुत असंभव था, तो ऑनलाइन में दिक्कत नहीं है? नहीं, मेरे को तो बल्कि ऑनलाइन ज़्यादा फ्लेक्सिबल लगता है। कहीं भी जाओ, मेरे इन-लॉज जाती थी, कहीं भी जाती थी, आप कहीं भी ले सकते हो। ऑफलाइन तो आप कहीं गए तो आपकी छुट्टियां ही हो जाती हैं। तो मेरे लिए तो वो आइसिंग ऑन द केक था कि हाँ ऑनलाइन है, कहीं भी जाओ, फोन आपका है, कहीं भी हो आप अटेंड कर लो, दैट्स इट। सुबह 5 बजे का टाइम इसलिए मैंने लिया कि कहीं भी जाओ किसी को भी दिक्कत नहीं आती। इन-लॉज भी जाओ तो 5 बजे उनको मेरे से कोई काम नहीं होता है। तो आराम से उठो, अपना वर्कआउट करो, फिर उनका जो भी है ऐसा, तो कोई मुझे दिक्कत नहीं आई कभी भी। मुझे तो बल्कि ज्यादा बेटर लगता है, चलो सुबह मिस हो गया शाम को कर लिया, 6 वाला मिस हो गया 7 वाला कर लिया। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफलाइन में तो पॉसिबल भी नहीं होती जितनी ऑनलाइन में हो जाती है। तो मतलब ऑनलाइन में जैसे चीज़ें समझने में टाइम लगा या फिर क्या रहा? नहीं, समझने में तो जितना ऑफलाइन में भी आपको देख के कर रहे हैं वैसा ऑनलाइन में भी देख के कर रहे हैं, उसमें तो कहाँ दिक्कत आती है। मुझे तो नहीं आई, पर्सन टू पर्सन डिपेंड है, पता नहीं, बाकी मुझे तो नहीं आई। अच्छा, एक और सवाल कि बहुत लोगों को लगता है कि दैट आई एम रूड इन क्लास, मैं कुछ भी बोल देती हूँ, इज इट ट्रू और फॉल्स? क्या मतलब, क्या लगता है? देखो, पहली बात ये है कि अगर टीचर बिल्कुल माँ बाप बन जाएगा तो फिर तो ये 24 किलो कम नहीं होता। पहली बात तो उनका थोड़ा गुस्सा करना तो
बनता है, बट गुस्से को रूडनेस में लेना वो सही नहीं है। गुस्सा वही करता है जो आपका अच्छा चाहता है। हम अपने बच्चों पे कितना गुस्सा करते हैं, थप्पड़ भी लगा देते हैं, तो ये थोड़ी है कि हम उनका बुरा चाहते हैं। आप गुस्सा उसी पे करते हो कि जिसका आप भला चाहते हो। तो मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि ये गलत है। अगर आप गुस्सा करते भी हैं तो हमारे लिए ही करते हैं ना, आपको क्या बेनिफिट गुस्सा करने में। तो वो गुस्सा कभी गलत वे में नहीं लेना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि आप रोज ही गुस्से में, हाँ कभी आपने डांट दिया सही नहीं कर रहे हैं तो क्या हो गया, व्हाट्स बैड इन इट। मुझे कभी नहीं लगा कि ये गलत है। ठीक है ना, हर किसी का, मैं भी थोड़ी ऐसी हूँ, गुस्सा कर देती हूँ। मेरा बेटा ही कहता है आप गुस्सा करते रहते हो। चलो तो फाइनल तुम्हें अच्छा लग रहा है 24 kg रिड्यूस करने के बाद में, और जनता को क्या कहना चाहोगी या उन लोगों को क्या कहना चाहोगी जो सच में 100+ होते हैं और वो होप खो देते हैं कि नहीं यार अब नहीं हो पाएगा। मैं तो ये कहना चाहूँगी जितना ज़्यादा वेट होता है ना उतना जल्दी लूज होता है। तो ये मत सोचो कि वेट ज़्यादा है तो उतना जल्दी जाएगा भी। अगर यही आप 70-72 के हो, आप बोलते हो मैं 50 का हो जाऊँ, तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट है कि 110 का होके 90-80 तक आना ज़्यादा आसान है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो इतना एक्स्ट्रा फैट होता है वो बहुत जल्दी मेल्ट होता है, और जो एकदम बॉडी टोन अप करने वाला फैट होता है वो बहुत टाइम लेता है, बहुत वो लेता है कि मेहनत लेता है जाने की। ओके पलक, थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरव्यू एंड फीडबैक। थैंक यू सो मच दी, थैंक यू सो मच। आपका सारे एफर्ट्स हैं, आपका मोटिवेशन है कंटिन्यूस कि करना है करना है, डांट है प्यार है जो भी है, बट हमारे लिए ही है। आपके मोटिवेशन गाइडेंस से ही हुआ है, अदरवाइज मैंने तो एक बार बीच में छोड़ दिया था, शादी से पहले प्रोड्यूस किया था छोड़ दिया था, फिर वापस आपके गाइडेंस से ही आगे बढ़े। नहीं लेकिन यू आर हार्ड वर्कर, वो मैंने देखा है, करती हो हार्ड वर्क। और चलो हम अभी 24 को हम 50 kg में, मेरा ऐसा ड्रीम है कि आज अगर ये 24 हुआ है ना 8 महीने में, तो भले ही 8 महीने और लग जाए बट वेट 50 kg टोटल अमाउंट, मतलब टोटल कम होना चाहिए 50। ये तो नहीं मैं बोल सकती, मैं प्रॉमिस नहीं करूँगी। 35 kg चलो देखते हैं। तो मेरा बॉडी वेट बोन वेट ही इतना है कि मैं इतनी पतली तो खुद को इमेजिन भी नहीं करती। बस जो चीज़ें इमेजिन नहीं करते ना वहीं पे मुझे ना मुझे वो वहीं पे काम करना अच्छा लगता है। अभी तुम मुझे जानती नहीं हो, जब मुझे लोग बोल 5 kg तक मैं 80 तक भी आ जाऊँ तो मेरे लिए तो 50 हम टोटल 50 रिड्यूस करेंगे और हम करेंगे। और उस दिन तुम फिर बोलोगी कि अरे यार दी सच में 50 हो गया। तथास्तु तथास्तु, थैंक यू दी, आपका गाइडेंस रहेगा तो शायद वो भी जाए। थैंक यू पलक, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।